सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेई रिजल्ट अपडेट ऑफिशियल नोटिस जारी, जल्दी से जाने पूरी जानकारी। देख लीजिए अभी अभी बीटीएससी आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों दो नोटिस वायरल हो रहा है, दो नोटिस, नोटिस में क्या लिखा हुआ आपके सामने में देख लीजिए। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, दोनों नोटिस हम आपको पढ़ के सुना रहे। ईमेल स्पीड पोस्ट प्रेषक नजर हुसैन, संयुक्त सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, गया, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, मधुबनी, मधेपुरा एवं पटना को छोड़कर। ठीक है, तो ये होगी आपको 4/12/2024 आज के डेट में देख लीजिए। विषय तकनीकी सहायक के पद पर चयनित फर्जी अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग बिहार तकनीकी सेवा आयोग के प्रथम 3440 दिनांक 12/11/2024 महाशय उपयोग विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 28/7/2018 के आलोक में तकनीकी सहायक के पद पर चयनित एवं जांचों उपरांत फर्जी पाए गए अभ्यर्थी की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। विदित हो कि तकनीकी सहायक के फर्जी अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में भी विभागीय प्रथान 9270 दिनांक 26/9/2022 एवं प्रथान 10731 दिनांक 9/11/2022 द्वारा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो अब तक अपर्याप्त है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि तकनीकी सहायक के पद पर चयनित फर्जी पाए गए अभ्यर्थी की सूची पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ठीक है, ये तो आप देख लिए आज का नोटिस है, ये पहला नोटिस। ठीक है, एक नोटिस और है, वो भी हम आपको नोटिस दिखाते हैं। ये दूसरा नोटिस है, ठीक है, ये दूसरा नोटिस है, देख लीजिए 12/11/2024 प्रेषक प्रभारी सचिव बिहार तकनीकी सेवा आयोग, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना। विषय देख लीजिए यहाँ पर, तकनीकी सहायक के पद पर चयन के क्रम में फर्जी पाए गए अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग आयोग कार्यालय के प्रथम 738 दिनांक 13/4/2022 एवं प्रथम 9893 दिनांक 17/8/2022 महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय पत्र का स्मरण कराना चाहेंगे। आयोग में विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एसएलपी नंबर 7257/2023 में दिनांक 4/10/2024 को पारित आदेशानुसार 3 माह में पूर्ण की जानी है। इस क्रम में यह संज्ञान में आया है कि आपके विभाग द्वारा डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थियों का संविदा के आधार पर तकनीकी सहायक की नियुक्ति की गई है। इस दौरान प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों के फर्जी होने की सूचना प्राप्त प्रकाश में आई है। कतिपय अभ्यावेदनों के माध्यम से आपके विभाग द्वारा घोषित फर्जी अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। वैसे फर्जी अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2019 कनीय अभियंता में भी आवेदन करने के संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायती राज विभाग बिहार पटना से उक्त फर्जी अभ्यर्थियों की सूची की मांग की गई थी, जो अब तक अपर्याप्त है। अतः अनुरोध है कि तकनीकी सहायक के नियुक्ति के क्रम में फर्जी पाए गए सभी डिप्लोमा धारकों की सूची पूर्ण विवरणी सहित अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो दोस्तों लगातार देखिए आयोग के द्वारा लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए जो एक भी स्टूडेंट फर्जी इस बार जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए देखिए आयोग से ये आपको देख लीजिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये लेटर लिखा गया है 12/11/2024 को लेटर लिखा गया। ठीक है, और ये लेटर हम आपको दिखाए हैं, ये आज का लेटर है, देख लीजिए 4/12/2024। ठीक है, ये नजर हुसैन संयुक्त सचिव है जो कि सभी जिला पदाधिकारी को लिखा है, कौन जिला छोड़कर, तो गया, ठीक है, बेगूसराय, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, ठीक है, मधुबनी, मधेपुरा और पटना को छोड़कर सभी जिला को ये लेटर लिखा गया। जो फर्जी अभ्यर्थी जो संविदा पर वर्क कर रहा, ठीक है, वह सूची उपलब्ध कराने के लिए, ताकि फिर से उसको हम
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जांच करेंगे, जो भी स्टूडेंट अभी बचा गया बचा है उसमें कोई फर्जी स्टूडेंट तो नहीं है। हम आपको क्या बोले, इस बार आयोग पर इतना दबाव है जो एक भी स्टूडेंट फर्जी बहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जो 3 महीना के अंदर फाइनल मेधा सूची जारी करके सभी को ज्वाइनिंग करवाना है। इसीलिए जो संविदा पर इससे पहले बहाल हुआ है तो उसमें पता चला है जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोग बहाल हो गए, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है, वो सभी स्टूडेंट इसमें भी आवेदन किए होंगे, समझे कि नहीं। इसीलिए सभी जिला से फर्जी स्टूडेंट के लिस्ट मंगाया जा रहा है, जो वो सब स्टूडेंट इसमें है भी, अगर वो सब स्टूडेंट इसमें नाम होगा तो फिर से उन लोगों को जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। क्योंकि बार बार हम आपको कह रहे हैं जो भी हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसका दिव्यांगता जांच हो रही है, और जो भी स्टूडेंट है उन लोगों को काउंसलिंग के आधार पर फिर से जांच किया जा रहा है, जो एक भी स्टूडेंट इस बार फर्जी आपको बहाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, बीटीएससी जेई में। इसीलिए आयोग पर इतना दबाव दिया गया है, इसलिए आयोग लेटर जारी करके सभी जिला से फर्जी स्टूडेंट को जो है उपलब्ध कराया गया है, और जो भी स्टूडेंट संविदा पर वर्क कर रहे हैं अभी वर्तमान में उन सभी स्टूडेंट को भी बोले हैं जो लिस्ट अवेलेबल करवाने के लिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट में से हो सकता है अभी जो भी वर्तमान में स्टूडेंट है हो सकता है उसमें भी स्टूडेंट का नाम आ जाए तो फिर से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आप समझ गए, तो एक लाइन में आप समझ जाइए, एक लाइन में जो बीटीएससी आयोग बीटीएससी जेई के फाइनल रिजल्ट आपको जारी तभी करेगी ताकि पूरा पूर्णता बीटीएससी आयोग को ये आश्वासन हो जाएगा अब एक भी फर्जी स्टूडेंट नहीं है, तभी आपको फाइनल मेधा सूची जारी किया जाएगा, और एक भी स्टूडेंट जो है फर्जी तरीके से अब बहाल नहीं किए जाएंगे। सोचेंगे सभी स्टूडेंट जो फर्जी तरीके से हम बीटीएससी जेई में जॉब ले लेंगे, इम्पॉसिबल। इसीलिए लेटर जारी करके सभी जिला से लिस्ट मंगाया गया, समझे, तो अब और मजा आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट और भी फर्जी पाए जाएंगे, समझे। बार बार अभी भी हम स्टूडेंट को बोल रहे हैं जो भी जिनके पास भी फर्जी डॉक्यूमेंट है आप लोग सुधर जाइए, आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे पहले भी हम आपको करवाए थे जिसमें आपको 29 और 30 नवंबर को 20 स्टूडेंट पाया गया। सभी पर आपको भी पता होना चाहिए जो अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और फिर से जो है आयोग को जो है शंका हुआ है जो और भी सारे स्टूडेंट जो है अभी वर्तमान में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, लग रहा है ज्वाइन आयोग को अभी भी लग रहा है इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी है, ठीक है, तो फिर से हो सकता है तो आपको लिस्ट उस सभी स्टूडेंट को जारी किया जाएगा, और फिर से हो सकता है तो काउंसलिंग होगी। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए। अब आपको हम बोल दिए रिजल्ट इस महीना के लास्ट तक एनी हाउ आपको जारी कर दिया जाएगा, और जनवरी में आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी, फाइनल नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे, फाइनली आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, जिससे ही बीटीएससी जेई रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।